दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त योगेश लोहार और हमारे YouTube चैनल और हमारे शहर उदयपुर जिलों की नगरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए कुछ नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बताएंगे आपको गाड़ी के राइट वाला एडजस्टमेंट और लेफ्ट वाला एडजस्टमेंट कैसे लेना है आपको, और गाड़ी के जो फ्रंट वाला एडजस्टमेंट है वो कैसे लेंगे। अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे हैं और आगे वाली गाड़ी से आपको एडजस्टमेंट लेना है तो वो किस तरह से लेंगे, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा जिससे आप पूरा लेसन जो है आप आसानी से सीख सकेंगे और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा वीडियो, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है वीडियो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा आपको, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों अब आप देखेंगे गाड़ी के हमारे गाड़ी के जस्ट सामने गाड़ी खड़ी हुई है, स्विफ्ट खड़ी हुई है। तो अगर हम इसका जजमेंट लेना चाहें, अगर इस हमको इस गाड़ी से ओवरटेक करना है या गाड़ी इस गाड़ी के हमें पार्किंग में इस गाड़ी के जस्ट पास में गाड़ी खड़ी करनी है तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप राइट वाला जजमेंट देखिएगा। अभी जो अगर आप गाड़ी देखेंगे सामने वाली, तो वो जो पूरी गाड़ी है हमें इस कोने से लेकर जो सेंटर पॉइंट है इस कोने के बीच में पूरी गाड़ी दिखाई देगी आपको। अगर कैमरे में थोड़ा सा आपको हो सकता है थोड़ा सा अलग लगे, लेकिन आपको जब ड्राइविंग सीट पर बैठेंगे आप तो आपको जो सामने वाली गाड़ी है पूरी इसी एरिया में दिखाई देगी। ये वाला राइट वाला और ये लेफ्ट सेंटर पॉइंट, इस सेंटर पॉइंट से राइट वाले पॉइंट तक आपको पूरी गाड़ी सामने वाली दिखाई देगी आपको। तो यहाँ से हमको पूरा जजमेंट लेना है। अब राइट वाला राइट जजमेंट की बात करेंगे तो ये जो लाइन दिख रही है, ये लाइन जो है ये वाला पिलर जो पॉइंट है, इस पिलर से बिल्कुल सामने वो गाड़ी का एक ही इक्वल नज़र आएगा आपको। और नहीं भी लग रहा तो वो पूरा, अगर हम थोड़ा सा अगर गाड़ी को पीछे ले लेंगे, अब ऐसे पीछे लेता हूँ मैं गाड़ी को थोड़ा सा और मैं। दोस्तों आप देखिए हमने थोड़ी गाड़ी को पीछे ले लिया है और अब इस कंडीशन में अगर गाड़ी देखेंगे आप तो वो सामने जो गाड़ी खड़ी हुई है वो हमें इस पोर्शन में पूरी पूरी गाड़ी दिखाई देगी आपको। लग रहा है आपको कि वो पूरी गाड़ी हमें इतने से एरिया में पूरी दिखाई दे रही है गाड़ी। तो ये जजमेंट आपको लेना है कि अगर आपको किसी गाड़ी को ओवरटेक करना है तो हम किस तरह से करेंगे, या फिर गाड़ी पार्किंग में लगानी है और उस गाड़ी के बिल्कुल सामने गाड़ी खड़ी करनी है तो हमें क्या जजमेंट लेना होगा, ये आज हम बता रहे हैं आपको। अभी देख आप जैसे देख सकते हैं ये पूरी गाड़ी हमें इस दोनों पॉइंट के बीच में दिखाई दे रही है। अगर मुझे इस गाड़ी को अगर मुझे ओवरटेक करना है तो हम किस तरह से करेंगे, तो एक बार हम गाड़ी को थोड़ा सा आगे लेंगे। एक बार अब मैं गाड़ी को हल्का सा ओवरटेक करने के लिए मैं गाड़ी को एक बार हल्का सा मुझे राइट में लेना पड़ेगा। अब देखिए मैं थोड़ा सा गाड़ी के पास में आ गए हम। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो सेंटर पॉइंट है, हमने रेड कलर की टेप लगा रखी है, वो हमें गाड़ी के किस पोजीशन में दिखाई दे रही है। तो अगर इस कंडीशन में आप देखेंगे तो ये रेड वाले टेप और जो गाड़ी के बिल्कुल सेंटर पॉइंट है जो सूजी की लिखा हुआ है वो, और जो लॉक वाला सिस्टम है उसके वहाँ दिखाई दे रही है हमें। तो कैमरे में तो आपको थोड़ा सा फ़र्क लग सकता है, लेकिन जब ड्राइविंग सीट पर बैठेंगे आप तो ये पोजीशन आपको दिखाई देगी। तो अभी आप देखिएगा कि हमें सेंटर पॉइंट से जो आगे गाड़ी खड़ी है उसका कुछ हिस्सा इस तरफ दिखाई दे रहा है और बाकी का हिस्सा इस तरफ दिखाई दे रहा है ना फ्रेंड्स। तो अभी यहाँ से देखिए आप, अगर ये जो हिस्सा हमको दिखाई दे रहा है इस तरफ, अगर मुझे इस गाड़ी को अगर ओवरटेक करना है तो मुझे जो आगे वाली जो गाड़ी खड़ी है उसका ये वाला जो राइट वाला हिस्सा है वो पूरा इस तरफ दिखाई देना चाहिए मुझे, मतलब सेंटर पॉइंट से लेफ्ट में आ जाना चाहिए पूरा, ठीक है भाई। अगर भी देखिएगा ये हिस्सा अगर यहाँ दिखाई दे रहा है, अगर इस गाड़ी को मैं थोड़ा थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ एक बार मैं, अब देखिए जो सेंटर पॉइंट की पोजीशन है वो थोड़ी सी चेंज होती जाएगी। अगर आप देखिए अगर अब मैं यहाँ इस पोजीशन में देख रहा हूँ तो मुझे जो गाड़ी का सेंटर पॉइंट है वो आगे वाली गाड़ी के टेल लैम्प पर दिखाई दे रहा है। तो अब मुझे थोड़ा सा स्पेस और बढ़ाना पड़ेगा, तो हल्की सी गाड़ी हम राइट में लेंगे एक बार और। ये देखिए अब इस कंडीशन में देखिए, अब जो आगे वाली गाड़ी खड़ी थी वो हमारी गाड़ी के सेंटर पॉइंट से पूरी लेफ्ट में आ चुकी है। अब यहाँ से जो हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ये कोना इधर दिख रहा है, सेंटर पॉइंट हमारा इस जगह है, तो यहाँ से जो हिस्सा इतना डिफरेंस आ चुका है हमारे पास, तो हमारे पास एक सफिशियंट मार्जिन हो चुका है कि हम उस गाड़ी को ओवरटेक करके पास के पास में से निकाल सकते हैं। अभी हम गाड़ी को थोड़ा सा और आगे ले आते हैं एक बार। ये देखिए अब जैसे जैसे मैं गाड़ी को साइड में लेके जा रहा हूँ
अब देखिए कितना डिफरेंट आ चुका है, अब सेंटर पॉइंट हमारा यहाँ है और अब ये जो पिलर दिखाई दे रहा है वो उस गाड़ी के कोने पे दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारी गाड़ी पूरी तरह से बाहर आ चुकी है। अगर मैं इस गाड़ी को और इसके बिल्कुल पास में अगर खड़ी करना चाहूँ मैं गाड़ी को, तो ये देखिएगा, अब ये देखिए, अब मैं इस गाड़ी के बिल्कुल पास में ला के हमने गाड़ी खड़ी करी। तो एक बार मैं बाहर निकल के दिखाता हूँ कि हमने गाड़ी को किस तरह से उसके पास में लगाया है। अब देखिए दोनों गाड़ी के बीच में काफ़ी अच्छा खासा डिफरेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों गाड़ी के बीच में काफ़ी जगह थी। तो ये वाला लेफ्ट वाला एडजस्टमेंट लेके आप गाड़ी को लेफ्ट साइड में पार्किंग कर सकते हैं और पूरा मार्जिन देखना है आपको। अब यहाँ से कर दिखाऊँ मैं, तो ये देखिए हमारी गाड़ी के बीच में एक सफिशेंट स्पेस है कि हमारी गाड़ी उस गाड़ी से भी दूर है। और दोनों जो कांच हैं, दोनों मिरर देखिए, दोनों में डिफरेंट आपको दिख रहा होगा। तो ये था दोस्तों लेफ्ट वाला जजमेंट कि अगर आप गाड़ी किसी गाड़ी को अगर ओवरटेक करके उस गाड़ी से आगे निकालना चाहते हैं या पार्किंग में आप लगाना चाहते हैं गाड़ी, तो हम उस गाड़ी से कितना मार्जिन छोड़ के रखें। अब हम बताएँगे आपको गाड़ी का फ्रंट वाला जजमेंट कि फ्रंट वाला जजमेंट किस तरह से लेना है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि आगे हमारे जस्ट सामने गाड़ी खड़ी है, अगर हमें जस्ट उस गाड़ी के पीछे लगाना है या बम्पर टू बम्पर जब ट्रैफिक है उस ट्रैफिक में अगर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो आपको आगे वाली गाड़ी से कितना मार्जिन छोड़ के चलना है वो आपको ध्यान रखना है। अभी आप देखेंगे जो सामने वाली गाड़ी है, हमें लेफ्ट वाले जो पॉइंट है और राइट वाला पॉइंट है उन दोनों के बीच में हमें गाड़ी दिखाई दे रही है। और अभी अगर आगे वाला स्पेस की बात करें तो हमारे पास काफ़ी एक सफिशियंट स्पेस है कि उस गाड़ी के हमें टायर भी दिखाई दे रहे हैं, वो हमें पूरी पूरी गाड़ी दिखाई दे रही है। तो आपके पास एक काफ़ी अच्छा स्पेस है अभी तक कि आप उस गाड़ी से काफ़ी दूर हैं, लेकिन हम इसी कंडीशन में अगर गाड़ी को और हम उसके पास में लेके जाएंगे तो क्या होगा, तो देखते हैं एक बार। अब हम गाड़ी को एक बार थोड़ा सा पास में लेके जाएंगे, बिल्कुल हल्का हल्का से पास में ले जाएंगे एक बार। अब देखिए अगर इस कंडीशन में मैंने एक बार गाड़ी रोक दिया वापस, अब आप देखेंगे कि हमें उस गाड़ी के टायर दिखना बंद हो चुके हैं। तो हम थोड़ा सा पास में आ चुके हैं लेकिन उस गाड़ी की जो नंबर प्लेट है वो अभी तक हमें दिखाई दे रही है। तो एक बार हम थोड़ा सा और आगे लेके आते हैं, देखिएगा। अब देखिए अभी इस कंडीशन में हमें उस गाड़ी की जो नंबर प्लेट थी वो भी दिखना बंद हो चुका है। तो हम लगभग उस गाड़ी के पास में आ चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास थोड़ा बहुत स्पेस है कि हम थोड़ा सा और आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो आप ऐसी कोशिश ना करें, आप अगर ट्रैफिक में चल रहे हैं तो आगे वाली गाड़ी से थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के चलें ताकि कोई एक्सीडेंटल कोई हादसा ना हो। आप अगर आगे वाली गाड़ी अगर ट्रैफिक में चल रहे हो और आप आगे वाली गाड़ी ने अगर अचानक ब्रेक कर दिया तो आपको भी ब्रेक लगाने का समय मिले, क्योंकि अगर आपकी उतनी प्रैक्टिस नहीं है ब्रेक लगाने का करने का तो कुछ गड़बड़ हो सकती है, हादसा हो सकता है। तो आप जब भी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे हैं तो आप आगे वाली गाड़ी से एक सफिशियंट जो स्पेस होना चाहिए आपको, वो आगे वाली गाड़ी पूरी तरह से उसके टायर वगैरह आपको दिखाई दें तो कम से कम इतना मार्जिन आप छोड़ के रखें, तो आप बिल्कुल परफेक्ट गाड़ी चला लेंगे, ट्रैफिक में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे हम इस कंडीशन में अगर गाड़ी से एक बार बाहर निकल के बताते हैं कि आगे वाली गाड़ी से हमारे पास कितना स्पेस है, तो ये देखिए दोस्तों अभी हमारी जो गाड़ी है वो आगे वाली गाड़ी से कम 3 फीट की जगह अभी हमारे पास और है, इतना डिस्टेंस हमारे पास अभी तक बाकी है। तो जब हमको टायर भी नहीं दिख रहे, नंबर प्लेट भी नहीं दिख रही थी, तो उस कंडीशन के बाद भी हमारे पास 3 फीट का स्पेस बचा हुआ है। तो आप कम से कम इतना स्पेस देख, तो कम से कम आप इतना स्पेस रख के चलाएं कि आपको ट्रैफिक में कोई दिक्कत ना आए। और अगर आप बिगनर हैं तो कम से कम गाड़ी आप पीछे ही रखिए ताकि आपको उस गाड़ी के टायर दिखाई दें। तो दोस्तों ये था लेफ्ट वाला जजमेंट का तरीका, और फ्रंट साइड अगर आप जजमेंट लेना चाहते हैं तो ये सिस्टम है, इस तरीके से आप आगे वाला जजमेंट ले सकते हैं। और ये एकदम परफेक्ट तरीका है, अगर ये इस सिस्टम को आप फॉलो करेंगे तो आपको राइट वाला लेफ्ट वाला जजमेंट और फ्रंट वाला जजमेंट इसमें कभी भी दिक्कत नहीं आएगी और आप आसानी से ट्रैफिक में गाड़ी चला सकेंगे। तो दोस्तों हम एक बार थोड़ा सा ट्रैफिक में चलेंगे और एक बार गाड़ी चला के बताएंगे आपको
कि गाड़ी को ओवरटेक करना है और किस तरह से करना है, अगर आगे वाली गाड़ी से मार्जिन छोड़ना है तो किस तरह से मार्जिन छोड़ कर रखना है। तो चलिए दोस्तों, तो हम चलते हैं एक बार ट्रैफिक की तरफ। अब आगे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ट्रैफिक रुका हुआ है, ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। तो अब देखिएगा, अगर मैं इस कंडीशन में दोस्तों मैं गाड़ी दिखा रहा हूँ तो हमारे पास एक सफिशिएंट स्पेस है, हम उस गाड़ी से काफ़ी दूर हैं। हमें मुझे इस कंडीशन में मुझे उस गाड़ी के टायर भी दिख रहे हैं, नंबर प्लेट भी दिखाई दे रही है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस गाड़ी को अगर और पास में लेके जाऊँ तो आप कंडीशन देखना। अभी हम उस गाड़ी के बहुत पास में, इस गाड़ी की जो नंबर प्लेट है काफ़ी ऊपर है, इनोवा है, तो उस कंडीशन में मुझे देखा था जब गाड़ी पास में लेके गया था, उसके टायर वगैरह और जो नीचे सेफ्टी गार्ड लगा हुआ है वो सब दिखाना बंद हो चुका था। अभी देखिए काफ़ी दिखना बंद हो गया, लेकिन जब इस कंडीशन में भी हमारे पास थोड़ा बहुत स्पेस बाकी है तो आगे वाला जजमेंट देना है आपको कि हम उस गाड़ी से काफ़ी दूर रहें। अगर वो अच्छे से गाड़ी ब्रेक कर रही है तो उसकी ब्रेक लाइट जल रही है, ब्रेक का इंडिकेशन भी मिल रहा है। अभी देख सकते हैं आपको लाइट जल रही है उसकी। अभी आप देखें तो अभी हमारे पास एक अच्छा खासा सफिशियल स्पेस है, मैं गाड़ी यहीं रोक लेता हूँ एक बार। तो अच्छा खासा मार्जिन है, वो पूरी गाड़ी मुझे राइट पॉइंट और जो सेंटर पॉइंट में, इसी पॉइंट में हमें दिखाई दे रही है गाड़ी। मैं इस गाड़ी को एक बार वापिस थोड़ा सा और आगे लेके इसके पास में ले जाकर दिखाता हूँ आपको एक बार। तो यहाँ दोस्तों आपको ब्रेक और क्लच दोनों को कंट्रोल करना है। अगर आप क्लच और ब्रेक कंट्रोल सही कर लेंगे तो आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में गाड़ी चला पाएंगे। जो फर्स्ट गियर में गाड़ी है अभी, तो आपको एक्सेलरेटर की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्लच और ब्रेक पर कंट्रोल करते हुए गाड़ी को चलाना है। ये हमारा सिख कॉलोनी वाला चौराहा है, यहाँ अभी काम चल रहा है, थोड़ा सा ट्रैफिक जाम है। यहाँ से हम लेफ्ट हैंड लेंगे तो एक बार लेफ्ट इंडिकेटर दे दिया हमने दोस्तों। अब इधर जब भी टर्न लें तो आप राइट वाला जो ट्रैफिक आ रहा है उसका भी ध्यान रखें। तो देखा दोस्तों आपने कि अगर बम्पर टू बम्पर आप ट्रैफिक में अगर गाड़ी चला रहे हैं तो आपको गाड़ी किस तरह से चलाना है, राइट वाला जजमेंट और लेफ्ट वाला जजमेंट किस तरह से लेना है। किसी गाड़ी को ओवरटेक करेंगे तो अभी सामने गाड़ी रुकी है, हम मुझे हल्का लेफ्ट लेना है, तो मुझे ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है, इसको देखते हुए मुझे को गाड़ी को मैंने लेफ्ट में लिया है। आप वापस देखिएगा एक बार हल्के से आगे, हमें यहाँ से एक बार राइट टर्न लेना है, तो राइट इंडिकेशन दे दिया एक बार हमने। और इसे छोटा खड्डा आ रहा है तो हम गाड़ी को सेंटर में लेंगे। सेंटर में लेने के लिए दोस्तों जो चीज़ कोई छोटा खड्डा वगैरह आ रहा है तो अगर आपको स्टीयरिंग के बिल्कुल सामने अगर वो चीज़ दिखाई दे रही है तो वो गाड़ी के सेंटर में ही आएगी। और ये राइट वाला पॉइंट और लेफ्ट वाला जो सेंटर पॉइंट है यहाँ से हमें देखते हुए उसको गाड़ी को सेंटर में लेना है। अब इससे ये बाइक देखिए, अगर बाइक अभी मुझे रेड वाले पॉइंट पर दिखाई दे रही है, रेड लाइन से अंदर है अभी वो, तो मैं उसको ओवरटेक नहीं कर पाऊँगा। अभी हमारी गाड़ी आप देखिएगा बिल्कुल वाइट लाइन पर चला रहे हैं हम, तो मुझे ये सेंटर पॉइंट है वो बिल्कुल वाइट वाली लाइन पर दिखाई दे रहा है, तो लेफ्ट वाला जजमेंट आपको यहाँ से लेना है। हम एक बार फिर लेफ्ट टर्न लेंगे, एक बार लेफ्ट इंडिकेशन दे दिया हमने। जब भी टर्न लें दोस्तों तो साइड वाले मिरर का इस्तेमाल जरूर करें, साइड वाले मिरर में हमेशा देखना है आपको। अब जैसे सामने है कि वॉक्स वैगन की गाड़ी खड़ी है, एक बार हम वापस यहाँ गाड़ी रोकते हैं एक बार, अगर रोकने के बाद कंडीशन बताता हूँ मैं आपको। तो अभी ये जो गाड़ी का आप पोजिशन देखेंगे आप, तो जो गाड़ी का सेंटर पॉइंट है वो गाड़ी के बिल्कुल बीच में दिखाई दे रहा है मुझे। अभी आप देखेंगे यहाँ से तो मुझे जो सेंटर पॉइंट है वो बिल्कुल सेंटर में, उस गाड़ी के सेंटर में दिखाई दे रहा है। अगर मुझे उस गाड़ी को वापस अगर ओवरटेक करना है तो मुझे जो गाड़ी का जो राइट वाला हिस्सा है वो पूरा मुझे सेंटर पॉइंट से लेफ्ट में दिखाई देना चाहिए। तो इस गाड़ी को एक बार वापस हल्का सा राइट में लेके जाएंगे। अब देखिए अब जो मेरे गाड़ी का सेंटर पॉइंट है वो बिल्कुल बाहर आ चुका है, वो का जो लेफ्ट आगे गाड़ी खड़ी है वो हमें गाड़ी के लेफ्ट वाले पॉइंट में दिखाई दे रही है। सेंटर पॉइंट से इतना स्पेस हमें दिखाई दे रहा है, तो हमारे पास एक अच्छा खासा स्पेस मिल चुका है कि हम उस गाड़ी के पास में से निकल सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। तो हमारा आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आप बिगिनर्स हैं और आपको गाड़ी चलाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट्स करके बताइए, तो हम उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे आपके लिए।
और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।